अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चिकन में यहाँ पर चिकन ग्रीन चिकन बनाने वाली हूँ। चलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसका मैंने यहाँ पर देखिए चिकन ले लिया है। चिकन को अच्छा तीन पानी से धो के साफ करके रख दी हूँ। देखिए यहाँ पर बीच में मैं कट भी लगा दी चिकन में, चिकन में कट भी लगा दी। किस लिए लगा दी कि चिकन में मसाला अच्छी तरह से वो अच्छी तरह से अंदर चले जाके अच्छा पके चिकन बोल के। चलिए मैं ग्रीन चिकन बनाने के वास्ते क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें, चलिए मैं दिखा दी हूँ आपको। यहाँ पर देखिए मैं हरे मसाले में यहाँ पर पुदीना ले ली हूँ। पुदीना को अच्छा धो के कट करके यहाँ रख दी हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने धनिया का एक कट्टा ली हूँ, इसको भी धो के यहाँ रख दी हूँ। हमें 10 से 12 हरी मिर्ची ली हूँ। देखिए इसको हम ये धनिया और पुदीना और मिर्ची को पीस मिक्सर में पीस के पेस्ट बना देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने दही ली हूँ 1/2 किलो। यहाँ पर दही ली, यहाँ पर देखिए मैंने 2 बड़ी प्याज कट करके रख दी हूँ। प्याज को भी तल के इसका भी पेस्ट बना देंगे। मसालों में देखिए सूखे मसालों में मैं यहाँ पर 1.5 स्पून ज़ीरा पाउडर ली हूँ, 1.5 स्पून धनिया पाउडर ली हूँ, 1 स्पून काली मिर्ची पाउडर ली, 1 स्पून हल्दी ली हूँ, 2 स्पून नमक है, 2 स्पून चिकन मसाला है। देखिए यहाँ पर अदरक लहसुन के 2 चमचे ली हूँ और काजू ली हूँ। देखिए यहाँ से काजू को भी हम रोस्ट करके भून ले के पीस लेंगे और प्याज को भी रोस्ट करके ब्राउन करके थोड़ा पीस लेंगे, पेस्ट बना देंगे। चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करें। यहाँ पर मैंने भगोना रख दिया है, पैन रख दिया है, इसमें तेल ऐड करके प्याज को हम तल लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन कर देंगे लाइट। इसके बाद हम इसमें मिक्सर में डाल के पीस लेंगे। देखिए हमारी प्याज यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो गई लाइट। इसमें हम अब काजू भी 1 स्पून कर देंगे। काजू को भी इसमें थोड़ा गोल्डन होने देंगे। इसके बाद प्याज को निकाल देंगे, हम प्याज का पेस्ट बना देंगे। देखिए हमारी प्याज भी यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो गई और इसमें काजू भी हो गया है। चलिए अब हम इसको निकाल देंगे, निकाल के पेस्ट बना देंगे। देखिए गाइस हमने यहाँ पर प्याज और काजू बादाम को गोल्डन करके रखे थे तो उसको पेस्ट बना दिए। इसमें हम जो पुदीना, कोथमी पुदीना और हरा मसाला जो लिए थे ना, पुदीना, हरी मिर्ची और धनिया, उसको भी डाल के इसमें पीस लिए, पेस्ट बना दिए। अदरक इसमें और इसमें मैंने इसमें पेस्ट बनाते वक्त पानी ऐड नहीं करी, जो दही लिए थे ना हमने इसमें का थोड़ा आधा दही में इसमें ऐड कर दी। इसमें ऐड करके इसको पीस दी, में बना इसका पेस्ट बना दी। इसमें मैंने पानी ऐड नहीं करी, दही डाल के पूरा हरा मसाला और काजू और प्याज डाल के इसको पीस दी, में इसका पेस्ट बना दी। चलिए अब हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने जो भगोने में प्याज तली थी, काजू तली थी, उसमें हम बना लेंगे अब मसाला। चलिए अब हम इसमें त्रिपल्ली तेल ऐड करेंगे, 3 पल्ली तेल ऐड करेंगे अब इसमें हम। देखिए गाइस अब हम इसमें तेल ऐड करेंगे, तेल को थोड़ा अच्छा गर्म होने देंगे हम। मैं यहाँ पर 3 पल्ली तेल ले रही हूँ। चलिए तेल को थोड़ा अच्छा गर्म होने देंगे हम। देखिए गाइस हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन होने देंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट गोल्डन ब्राउन हो गया था। इसमें चिकन ऐड करेंगे, चिकन को डाल दें, थोड़ी देर लाइट कलर चेंज होने तक के भून लेंगे हम। इसमें चिकन का कलर होने तक के इसको थोड़ी देर अच्छा भून लेंगे तेल में और अदरक लहसुन की पेस्ट में।
देखिए गाइस, हमने इसमें चिकन ऐड करे थे ना, चिकन को तेल में थोड़ी देर भून लिए थे। देखिए चिकन का पानी भी छूट चुका है और चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसको चिकन का पूरा पानी सुखा देंगे, फिर इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। चलिए गाइस, देखिए इसमें चिकन का कितना पानी छूट रहा है। देखिए अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं करा तो ये चिकन का ही पानी कट छूट गया। इसको हम अच्छा सुखा लेंगे। इसमें पानी डालने के बाद इसमें चिकन भी अपना अच्छी तरह से गल जाएगा। तो चलिए अब हम इसमें देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा चिकन का पानी अच्छी तरह से सूख गया है। देखिए पूरा पानी सूख गया इसमें। देखिए कैसे साइडों से तेल निकल गया है। अब चलिए हम इसमें पूरे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने जो भी सूखे मसाले लिए थे, चिकन मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, काली मिर्ची, नमक, इसमें पूरों को डाल लेके हम भून लेंगे अच्छी तरह से थोड़ी देर। फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। देखिए गाइस, हमने मसाले डाले बाद से इसको थोड़ी देर भून लिया है। अब हम इसमें चलिए ये ग्रीन मसाला जो भी पीस के रखे हमने, इसमें हमने काजू और हरा मसाला जो भी लिए थे हमने, फिर पेस्ट बना दिए थे। इसमें प्याज भी है, इसको डाल के अच्छा भून लेंगे हम। इसको अच्छा भूनने बाद से फिर इसमें हम दही ऐड करेंगे। गाइस हमने मसाले डाले बाद से, गिर मसाला डाले बाद से इसको अच्छी तरह से भून लिया है। हमारे मसाला भुनी गया। देखिए इसमें से तेल भी निकल के आ गया साइडों में। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही डाल के थोड़ी देर भून लेंगे। ये देखिए हमने मिक्सर में पीसे थे तो इसमें थोड़ा मसाले रखे थे, तो इसमें थोड़ा पानी डाले। ये पानी को जिसमें ऐड कर देंगे हम, उसको डाल के थोड़ी देर अच्छा भून लेंगे। फिर गाइस हमने इसमें दही और थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर 15 मिनट स्लो आंच पे मसालों को अच्छा होने देंगे, पकन देंगे। गाइस हमारा सालन मसाला इसमें भुन गया है। चलिए हम इसमें कोथमीर ऐड करेंगे। कोथमीर डाले बाद से भी इसको स्लो आंच पे 15 मिनट रखेंगे हम। ये पूरे साइडा थोड़ा पानी डाल के धो लेके साइड में इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। मैं आधा गिलास पानी ऐड करूँ ग्रेवी के वास्ते। चलिए इसमें मैं पानी ऐड करूँगी अब। चलिए गाइस हम इसमें मैं आधा गिलास पानी ऐड करूँगी। मैं थोड़ा इसको ग्रेवी का बना रही हूँ। मैं इसमें थोड़ी ग्रेवी रखूँगी बस लाइट। चलिए अब हम इसको 15 मिनट स्लो फ्लेम पे पकन देंगे। गाइस हमारा सालन क्रीम सालन पक के रेडी हो चुका है। चलिए हम अब डिश आउट कर देंगे। चलिए गाइस हम डिश आउट कर देंगे। देखिए हमारा सालन भी, हमारा गोश्त भी कितनी अच्छी तरह। देखिए गाइस हमने डिश आउट कर दिया है। हमारा सालन बन के रेडी हो चुका है। देखिए हमने डिश आउट भी कर दिया है। यहाँ पर हमने ग्रीन चिकन का सालन बनाया है। देखिए गाइस मैंने ग्रीन चिकन के साथ ये राइस बनाई हूँ। अगर आपको चावल की रेसिपी जानना है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी, जैकी सिंह के सोयाबीन दाल के चावल बनाई मैं। देखिए हमारा चिकन भी कितनी अच्छी तरह से गल चुका है।